नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान विरोध के तौर पर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर कई दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी डेरा जमाए है, तो वहीं अब उनके समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर शुरू हो चुका है। पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण पुरस्कार वापस कर दिया। इसके बाद एक बार फिर अवार्ड वापसी का ऐसा दौर चला है जिसमें खेल और सिनेमा जगत की कई हस्तियां शामिल हो गई हैं। सभी अपने अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। कृषि कानूनों के विरोध में एक तरफ किसान दिल्ली और उससे सटी राज्य सीमाओं पर डेरा जमाए हैं, वहीं इनके समर्थन में कई हस्तियां सामने आ रही हैं और अवार्ड वापसी का सिलसिला भी चल पड़ा है। इसी कड़ी में पहला नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल लीडर प्रकाश सिंह बादल का। उन्होंने 2015 में मिला पद्म भूषण अवार्ड लौटा दिया है। दूसरा नाम है शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींसा का। उन्होंने भी अपना पद्म भूषण अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। इससे पहले भी बादल परिवार की ओर से कृषि कानूनों का बड़ा विरोध किया गया था। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुखबीर बादल ने अकाली दल के एनडीए से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेला लड़ने की बात कही थी। इसके बाद अब पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी मेहनत से हासिल किए सभी अवार्ड और मेडल केंद्र सरकार को वापस करने की सोच रहे हैं। इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री प्रगट सिंह, पद्मश्री रेसलर करतार सिंह, अर्जुन अवॉर्डी हॉकी प्लेयर राजबीर कौर और बास्केटबॉल प्लेयर अर्जुन सिंह चीमा के बाद अब इस लिस्ट में बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने नए कानून वापस नहीं लिए तो वे अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटा देंगे। भारत में कई पुरस्कार विजेताओं का मानना है कि उन्होंने सरकार से जो पुरस्कार जीता है वह सरकार के खिलाफ विरोध का ही एक रूप है। कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता पर कुछ साल पहले इसकी शुरुआत हुई जब फिल्म और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कांग्रेस समर्थक लिबरलों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को अपना पुरस्कार लौटाने का फैसला किया। तब से चलन बन गया है। हालांकि इस बात का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि ऐसा करने की घोषणा के बाद वास्तव में कितने लोगों ने अपने पुरस्कार और पुरस्कार राशि लौटा दी है। इससे पहले केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में साहित्य जगत की हस्तियों ने भी अवार्ड लौटाने की शुरुआत कर दी है। पंजाबी साहित्यकारों ने आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने की घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों का विरोध सबसे अधिक पंजाब में ही हो रहा है। हालांकि हरियाणा, यूपी और एमपी समेत बाकी राज्यों के किसान भी अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हैं। पिछले दो महीनों से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अब कई दिनों से किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों को किसानों ने पूरी तरह से घेरा हुआ है और यही डेरा जमा लिया है। किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार बातचीत की जा रही है। अब तक 5 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, साथ ही एमएसपी पर गारंटी देनी होगी। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर किसान मौजूद हैं और उनका कहना है कि वो 6 महीने का राशन साथ लेकर आए हैं। बहरहाल अगर किसान आंदोलन का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला तो अवार्ड वापसी की लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। इस बारे में बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी साफ कर चुके हैं कि हरियाणा के कई खिलाड़ी यहां आना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की वजह से परेशानी में आ सकते हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वे किसानों के साथ हैं।